हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में, इससे लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, और उसके बाद की जो इससे पहले वाली जो लास्ट वीडियो उसमें मेंस के क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम NLM का जो ये चैप्टर है इसमें जे एडवांस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे, और ये करने के बाद NLM की जो अपनी सीरीज है ये कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद NLM में कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पे पढ़ने के बाद हर तरह के क्वेश्चन को आप आराम से यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम पैटर्न है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर मिलेगा, आप आराम से सवाल को देखें, पढ़ें और अप्रोच लगा के उसको सोल्व करने का ट्राई करें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ यहाँ पे। ये क्वेश्चन आया था जे एडवांस 2020 में, पेपर वन ऑफलाइन। तो सवाल में क्या दिया आपको, जब भी एडवांस का सवाल आपके पास आए उसको बड़े ध्यान से पहले पढ़ो आप, है ना। फिर उसके बाद एक एक लाइन को ड्रॉ करो डायग्राम के फॉर्म में और वहाँ पे उसको ट्राई करो अप्रोच करने का, है ना। देखो क्या लिखा है, पुट अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल हॉरिजॉन्टली ऑन योर एक्सटेंडेड इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर मतलब ये जो पहली वाली फिंगर होती है इसकी बात कर रहा है। विद द लेफ्ट वन एट 0 सेंटीमीटर एंड द राइट वन एट 90 सेंटीमीटर व्हेन यू अटेम्प्ट टू मूव बोथ द फिंगर स्लोली टुवर्ड्स द सेंटर इनिशियली only the left finger slip with respect to the scale and the right finger does not. After some distance, the left finger stop and the right one starts slipping. Then the right finger stop at a distance XR from the center 50 centimeter of the scale and the left one starts slipping again. This happened because of the difference in the friction force on the two fingers. If the coefficient of static and dynamic friction between the finger and the scale are 0.40 and 0.32 respectively, then value of XR in centimeter. काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एक लाइन को यहाँ पे देखेंगे और फिर उसको सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले उसने क्या दिया है, पुट अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल हॉरिजॉन्टली ऑन योर एक्सटेंडेड इंडेक्स फिंगर विद द लेफ्ट वन एट 0 सेंटीमीटर एंड द राइट वन एट 90 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक मीटर स्केल बना लेते हैं, ना बिल्कुल ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, कई बार इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो बड़े सिंपल अप्रोच लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ना। देखो एक एक चीज़ को मैं बिल्कुल ध्यान से बताऊँगा। ये मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ पे मीटर स्केल मान लेता हूँ, है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं। ये मैंने लिया यहाँ पे मीटर स्केल, कौन सा स्केल है, मीटर स्केल। तो अगर मैं मीटर स्केल की बात करता हूँ, किस स्केल की बात करता हूँ, मीटर स्केल मतलब ये पूरी जो लेंथ होगी वो 1 मीटर के बराबर होगी, है ना, मीटर स्केल का मतलब। और उसको सेंटीमीटर में अगर लिखूंगा कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, है ना। मीटर स्केल का मतलब इस पूरी की लेंथ कितनी है, 1 मीटर, यानी कितना है, 100 सेंटीमीटर। अच्छा अब देखो जरा सवाल को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया इसने। तो सवाल में बोला है कि जो लेफ्ट वन वाली जो फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है, वो 0 सेंटीमीटर पे है, और राइट वाली कितने पे है, राइट वन एट 90 सेंटीमीटर। तो अगर ये पूरा 100 पे है तो इस पर कुछ स्केल मार्किंग होगी, 0, 1, 2, 10, 20, 30, इस तरीके से। तो उसने बोला देखो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर को मैं धर ले लेता हूँ, है ना। उसने स्केल के ऊपर एक फिंगर ऐसे रखी, एक फिंगर ऐसे, उसको धीरे धीरे करके ऐसे मूव कराएगा ये, है ना, किस तरीके से ऐसे मूव कराएगा, है ना। और सवाल को अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो सवाल में ये बोला है कि जब दोनों फिंगर एक साथ तभी मूव नहीं करेंगी, जब पहली फिंगर स्टॉप होगी तब दूसरी मूव करना स्टार्ट करेगी, और जब दूसरी मूव करेगी तो पहले वाली स्टॉप। देखो ये दोनों फिंगर थी, जब ये मूव करेगी राइट वाली रेस्ट पे रहेगी, देखो ये मूव करेगी, ये रेस्ट पे है, और जब ये रुकेगी तब ये मूव करना स्टार्ट करेगी, फिर ये मूव करेगी, फिर ये मूव, इस तरीके से। तो सवाल को इस तरीके से दिया गया इन्होंने कि दोनों फिंगर एक साथ मूव नहीं करती, पहले एक रुकेगी तब दूसरी वाली फिंगर जो है मूव करेगी। ये सवाल आप पढ़ सकते हो, तो दोनों में ऐसी कंडीशन यहाँ पे दी है। चलिए पहली लाइन हमने पढ़ी, तो पहली लाइन में हमें क्या मिला, कि जो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर है वो 0 सेंटीमीटर पे। तो मैं एक काम करता हूँ देखो, एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। इसको मानेंगे लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, इसको मानेंगे राइट इंडेक्स फिंगर, है ना। ये होगा लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, ये होगा राइट इंडेक्स फिंगर। अगर ये पूरा 100 सेंटीमीटर का स्केल है तो सेंटर पॉइंट जो होगा, सेंटर पॉइंट की मैं बात कर लेता हूँ, ये जो सेंटर पॉइंट है इसको बना लेता हूँ इधर, ये जो सेंटर पॉइंट है ये वाला, ये तो 50 सेंटीमीटर पे होगा यहाँ पे, है ना। और उसने बोला है कि लेफ्ट इंडेक्स फिंगर तो 0 पे है, ये तो 0 सेंटीमीटर होगा, स्केल इधर कितना होगा, 0 सेंटीमीटर। और जो राइट वाला है वो 90 सेंटीमीटर पे है ना। उसने बोला कि ये वाला पॉइंट कहाँ पे है, इसको क्या बोल दिया उसने, 90 सेंटीमीटर। इसको नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, इसी के रेफरेंस में सारी चीज़ें देखेंगे। ये पॉइंट कहाँ पे, 90 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ आ रही है सबको, ये 0 सेंटीमीटर और ये 90 सेंटीमीटर। ये काम हमने कर लिया। अब देखो जरा दूसरी बात इसने क्या बोली है, इसने बोला व्हेन यू अटेम्प्ट टू मूव बोथ द फिंगर स्लोली टुवर्ड द सेंटर, यानी दोनों फिंगर को किधर मूव कराएंगे, सेंटर की तरफ मूव कराएंगे, ये रहा सेंटर, अच्छा, टुवर्ड द सेंटर इनिशियली ओनली द लेफ्ट फिंगर स्लिप विद रेस्पेक्ट टू द स्केल एंड द राइट फिंगर डज नॉट।
पहले केस में उसने बोला कि जब 90 सेंटीमीटर पे दोनों फिंगर राइट वाली यहाँ पे होगी और लेफ्ट वाली यहाँ पे, तो उसने पहली कंडीशन में ये बोला है कि जो जो लेफ्ट वाली फिंगर है, जो लेफ्ट वाली फिंगर है ये मूव करेगी, ये राइट वाली फिंगर मूव नहीं करेगी, यानी इनिशियली किस पे रहेगी, रेस्ट पे, और लेफ्ट फिंगर इधर मूव करेगी सेंटर की तरफ, तो ये कंडीशन किस पे, तो रेस्ट पे रहेगा यहाँ पे, ये उसने क्या बोला है, रेस्ट पे, और ये जो फिंगर है ये मूव करना स्टार्ट करती है किधर, सेंटर की तरफ, यही सवाल दिया है। अच्छा, इतनी बात समझ आ गई, ये रेस्ट पे है और ये मूव करना स्टार्ट करता है। अच्छा, अब थोड़ा नीचे बना लेते हैं, सेकंड कंडीशन देखेंगे क्या बनेगी यहाँ पे, है ना, ये देखो जरा, तो सेकंड कंडीशन की अगर मैं बात करता हूँ, ये तो सिंपल इधर चल ही रहा है पूरा का पूरा यहाँ पे इस तरीके से, ये एक स्केल में नीचे बना लेता हूँ दोबारा से, तो स्केल अगर मैं दोबारा बनाता हूँ इधर, तो आपको ये बात समझ आएगी। अच्छा, ये कंडीशन यहाँ पे होगी इस तरीके से, ये मिटा देता हूँ, ये तो सेंटर पॉइंट है मेरे पास। अच्छा, उसके बाद इसने बोला है कि ये मूव करेगा, है ना, ये मूव करके कहाँ पहुँचेगा, देखो क्या बोला उसने, उसने सवाल में बोला है, फिंगर रेस्पेक्ट टू द स्केल एंड द राइट फिंगर डज नॉट, आफ्टर सम डिस्टेंस द लेफ्ट फिंगर स्टॉप एंड द राइट वन स्टार्ट स्लिपिंग, आफ्टर सम डिस्टेंस लेफ्ट फिंगर स्टॉप, यानी यहाँ पे चलने के बाद, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, ये जो लेफ्ट वाली फिंगर है क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, यानी ये कुछ आगे बढ़ेगी और ये किस कंडीशन में पहुंचेगी, यहाँ पे रेस्ट की कंडीशन पे पहुंचेगी, ये आ जाएगी रेस्ट पे, और ये रेस्ट पाएगी तो ये वाली फिंगर मूव करना स्टार्ट करेगी राइट वाली, ये तो मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि दोनों फिंगर एक साथ मूव नहीं करेगी भाई, ये 0 सेंटीमीटर, ये रेस्ट, तो जब भी कुछ डिस्टेंस मूव करने के बाद रेस्ट पे पहुंचेगी तब ये मूव करना स्टार्ट करी, क्योंकि सवाल ने बोला कि दोनों एक साथ मूव ही नहीं कर रहे, एक को तो रेस्ट पे रहना पड़ेगा, है ना, तो जब ये रेस्ट पाएगी तब ये मूव करना स्टार्ट करेगी। अब मुझे एक बार बताओ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या 50 सेंटीमीटर होगा, बिल्कुल होगा, कितना होगा 50 सेंटीमीटर, अगर स्केल पूरा 100 सेंटीमीटर का है तो सेंटर से एक कॉर्नर का डिस्टेंस होगा 50 सेंटीमीटर, और अगर ये 90 सेंटीमीटर पे स्केल तो ये कितना बचेगा 40 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कितना बचेगा 40 सेंटीमीटर, इतनी बात समझ आ रही होगी सबको, सेंटर से ये वाला पार्ट कितना है 50 सेंटीमीटर और ये कितना होगा 40 सेंटीमीटर, बड़ा आसान सवाल है, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है, तो ये कितना होगा यहाँ पे 40 सेंटीमीटर, ये 40 है तो ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, ये भी होगा 40 सेंटीमीटर, है ना, ये भी 40 सेंटीमीटर होगा क्योंकि अभी चलना स्टार्ट किया है और ये रेस्ट की कंडीशन पे। इस डिस्टेंस को मैं x1 बोल देता हूँ, इस डिस्टेंस को क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे x1, ये रेस्ट पे था, ये डिस्टेंस को क्या बोल दिया मैंने x1, कि ये यहाँ से चलने के बाद सेंटर से x1 डिस्टेंस जो था उस पे रेस्ट पे आ गया तब ये मूव करना स्टार्ट करेगा, इतनी बात सबको समझ आ रही है, ये 40 सेंटीमीटर ये उसने दिया सेकंड सिचुएशन। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड वाली सिचुएशन है, तीसरी जो सिचुएशन है उसको देख लेते हैं, है ना, उसको भी बना लेते हैं यहाँ पे। देखो थर्ड वाली जो सिचुएशन है उसने बोला है देन द राइट, अच्छा, आफ्टर सम डिस्टेंस लेफ्ट फिंगर स्टॉप एंड द राइट वन स्टार्ट स्लिपिंग, ये स्लिप करना स्टार्ट करेगी, बिल्कुल सही बात है, देन द राइट फिंगर स्टॉप एट अ डिस्टेंस xr फ्रॉम द सेंटर, ये चलने के बाद तीसरी जो कंडीशन, नीचे बना लेता हूँ मैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम आराम से करेंगे इसको। देखो एक स्केल में नीचे बना लेता हूँ इधर इधर, उसके बाद इसने क्या बोला है, उसके बाद इसने बोला है देखो ये तो बात फिक्स है कि भाई एक को तो रेस्ट पे रहना पड़ेगा, तो अब तो ये तो रेस्ट पे रहेगी इस कंडीशन पे, लेफ्ट फिंगर तो रेस्ट पे रहेगी, क्यों रहेगी रेस्ट पे, ये रेस्ट पे रहेगी कब तक, जब तक ये मूव करते हुए रेस्ट पे ना आ जाए, तो उसने बोला है कि इस कंडीशन के बाद जब ये रेस्ट पे आएगी मूव करना स्टार्ट करेगा, ये तो मूव कर ही रहा है, तो मूव करते करते जब ये रेस्ट पे पहुंचेगा, मूव करते करते जब ये इस पॉइंट पे रेस्ट पे पहुंचेगी राइट फिंगर रेस्ट पे पहुंचेगी, तो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस xr है, सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस कितना है xr, है ना, ये कंडीशन होगी। अच्छा, जब ये मूव करना स्टार्ट करेगी यहाँ पे रेस्ट पे आ जाएगी, तो ये पॉइंट किस कंडीशन में रहेगा, ये पॉइंट किस कंडीशन में आ जाएगा मोशन की कंडीशन में आ जाएगा, है ना, क्योंकि जैसे ही ये मूव करेगी राइट फिंगर यहाँ पे रेस्ट पाएगी, ये इस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट कर देगा, तो ये x1 तो नीचे ली, इस कंडीशन के लिए भी कितना होगा, ये भी x1 ही होगा। बोले बात समझ आ रही है सबको, सबसे पहले क्या था कि ये रेस्ट पे था, लेफ्ट फिंगर थी इधर, उसके बाद लेफ्ट फिंगर ने मूव करना स्टार्ट किया, तो जब सेंटर से x1 डिस्टेंस पे लेफ्ट फिंगर रेस्ट पे आ गई तो तब ये मूव करना स्टार्ट करेगी राइट वाली फिंगर, ठीक है। फिर उसने बोला कि जब ये मूव करना स्टार्ट करेगी तो यहाँ पे रुक जाएगी ये फिंगर राइट वाली, और सेंटर से जहाँ पे रुकेगी वो डिस्टेंस होगा xr, तो जैसे ये रुकेगी तो ये तो मूव करना स्टार्ट कर देगी इधर लेफ्ट वाली फिंगर, है ना, अभी स्टार्ट किया नहीं, हो सकता कि आगे जाकर रुक जाए, बट मैं मान लेता हूँ कि इस पॉइंट पे जस्ट चलना स्टार्ट किया, है ना, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा x1, जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो दो सिचुएशन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली, तो आई होप ये दोनों कंडीशन आपको समझ में आई होंगी, है ना, 1, 2 और 3। बोलिए इसमें किसी को डाउट है क्या, ये स्केल मैंने बनाया लेफ्ट से चला तो ये रेस्ट पे रहेगा पॉइंट,
राइट फिंगर वाली, है ना। तो जैसे ये आगे चल के लेफ्ट फिंगर आगे चल के रेस्ट पे पहुंचेगी तब ये मूव करना स्टार्ट करेगा। फिर जब ये मूव करना स्टार्ट करेगा आगे चल के किस पे आ जाएगा पॉइंट, उसने बोला कि जब राइट फिंगर रेस्ट पे आएगी तब सेंटर से डिस्टेंस कितना एक्स आर, इसी की वैल्यू मुझे निकालनी है, इस एक्स आर के डिस्टेंस से वैल्यू मुझे निकालनी है। तो जब ये रेस्ट पे पहुंचेगा तब ये मूव करना स्टार्ट करेगी लेफ्ट वाली फिंगर, अदरवाइज तो रेस्ट पे रहेगी तब तक जब तक ये नहीं रुकेगा, क्योंकि एक को तो रेस्ट पे रहना ही है, ठीक है। तो ये कहानी होगी। ओके, तो ये दो कंडीशन मुझे यहाँ से मिली। अच्छा, और सवाल में देख लेते हैं मुझे क्या दिया। अब सवाल सिंपल है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक मुझे दिया है यानी म्यू एस जो दिया है वो दिया है 0.40, और म्यू के जो दिया है वो कितना दिया है 0.32। तो म्यू एस 0.40 और म्यू के 0.30। अब मुझे एक्स आर की वैल्यू निकालनी है, तो देखो कैसे निकालेंगे एक्स आर की वैल्यू। थोड़ा सा इसको डायग्राम क्वेश्चन पढ़ के मैंने सिचुएशन बना ली। तो सेकंड वाली सिचुएशन जो मेरे पास है, सेकंड वाली सिचुएशन इसको देखो जरा, मैं इधर कर देता हूँ। सेकंड सिचुएशन जो मेरे पास है वहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सेंटर पॉइंट है ना। अच्छा एक बात बताओ, जब फिंगर टच करेगी नॉर्मल रिएक्शन तो आएगा पिक्चर में, तो यहाँ का जो नॉर्मल रिएक्शन है इस पॉइंट का उसको मैं कितना मान लेता हूँ, N1 मान लेता हूँ, और इस वाले का नॉर्मल रिएक्शन कितना मान लेता हूँ उस पॉइंट पे N2, जहाँ पे चलना स्टार्ट किया। और जब फिंगर यहाँ पे पहुँचेगी तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कितना मान लेंगे N3, है ना, और यहाँ पे कितना मान लेंगे N4। अब स्केल है क्योंकि, तो अलग अलग पॉइंट मिलेंगे, तो ताकि सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको मैंने N1 N2 और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन N3 मान लिया, यहाँ पे कितना मान लिया N4। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है। N4 इधर मान लेते हैं, ये N4 इधर नहीं होगा, इस पॉइंट पे होगा N4, है ना, इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे रुकेगा इस पॉइंट के अबाउट N4। N1 N2 N3 और यहाँ पे N4, इतनी बात समझ आ गई। क्योंकि फिंगर अगर टच रहेगी स्केल से तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, स्केल और फिंगर का कॉन्टैक्ट रहेगा आपस में तो नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। अभी सेकंड वाली सिचुएशन को ध्यान से देखोगे, सेकंड वाली सिचुएशन को, तो देखो जस्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, जस्ट अबाउट द मोशन की अगर बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, जस्ट अबाउट द मोशन। चलिए, तो अगर पॉइंट टू की बात करोगे तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन N1 और यहाँ पे N2। अब मेरी बात सुनो ध्यान से कि यहाँ पे अगर मैं देखो, जब भी जस्ट मोशन की बात करूँगा, जस्ट पॉइंट ऑफ, जस्ट एट द टाइम ऑफ मोशन की बात करूँगा, तो रेस्ट पे आने से पहले जो लेफ्ट वाली फिंगर थी रेस्ट पे आने से पहले किस कंडीशन पे थी, मोशन में थी, तो उसके पास कैसा फ्रिक्शन था, काइनेटिक फ्रिक्शन था, है ना। रेस्ट पे आने के जस्ट पहले की बात कर रहा हूँ, जस्ट पहले की, तो वही कितना हुआ, काइनेटिक फ्रिक्शन। मोशन करने के जस्ट पहले, ये तो रेस्ट पे थी फिंगर, मोशन करने के जस्ट पहले तो कैसा फ्रिक्शन था, स्टैटिक फ्रिक्शन था, कैसा फ्रिक्शन था, स्टैटिक। एट द वर्ज ऑफ मोशन की अगर मैं बात करता हूँ, जब भी वर्ज ऑफ मोशन की बात करूंगा तो दोनों बराबर रहेंगे, यानी रेस्ट पे आने से जस्ट पहले जो काइनेटिक फ्रिक्शन था और रेस्ट पे मोशन में आने से पहले, मोशन में आने से जस्ट जब भी रेस्ट पे रहेगा तो ये कितना होगा, स्टैटिक। दोनों फ्रिक्शन आपस में उस पॉइंट पे क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। दोनों पॉइंट एट द वर्ज ऑफ मोशन यानी जस्ट वाली जो कंडीशन होगी इस पर दोनों कैसे रहेंगे, आपस में बराबर रहेंगे। इसलिए मैंने इस कंडीशन से जस्ट पहले वाली कंडीशन को यहाँ पे लिखा है ना। तो उस केस में दोनों कैसे रहेंगे, बराबर, यानी एफ के बराबर किसके बराबर रहेगा, एफ एस के बराबर रहेगा। ये बात समझ आ रही है सबको। इस एफ के को मैं म्यू के इंटू के काइनेटिक इसको लिखूंगा N1, एफ एस को क्या लिखूंगा, म्यू एस, और यहाँ पे नॉर्मल कितना है, नॉर्मल है मेरे पास N2। इतनी बात समझ आ रही होगी सबको। ये था नॉर्मल N1, इसको लिखा म्यू के N1 इक्वल टू एफ एस म्यू एस N2। अब ये जो म्यू के की वैल्यू मुझे दिए 0.32, कितने दिए 0.32, ये दिया है N1 इक्वल टू, और यहाँ पे म्यू एस कितना है 0.40, और ये मुझे दिया है N2, ये दिया है। अच्छा, इस कंडीशन को 1 मान लेंगे, सिंपल, क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, ये डायग्राम आपने बना लिया होगा, तो ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, इससे ऊपर वाला, इसको मिटा देता हूँ ना, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको मिटा देता हूँ। देखो, तो लेफ्ट हैंड फिंगर, राइट हैंड फिंगर, ये नीचे वाले दो डायग्राम ये बने रहने देता हूँ। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करके इसी में हम सॉल्व कर लेंगे इसको इस तरीके से। तो देखो, अच्छा ये तो आ गई कंडीशन 1, इसको यहीं पे रखेंगे। सेकंड सिचुएशन का जो सेंटर वाला पॉइंट है, इसके अबाउट में टॉर्क ले लेता हूँ। इसके अबाउट क्या ले लूँगा, टॉर्क। टॉर्क लेने से क्या फ़ायदा होगा, इस X1 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। टॉर्क क्या होता है, सुनो, टॉर्क हमने बात की थी न्यूटन डायमेंशन में, जब भी कोई, जैसे ये कोई रॉड है मेरे पास, है ना, ये रोड है, यहाँ से मैंने इसको हिंज किया है, तो टॉर्क कब क्रिएट होगा, एक फोर्स और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब रोटेशन मोशन पढ़ेंगे वहाँ पे टॉर्क की बात करेंगे सही से, है ना। तो रोटेशन मोशन के अंदर पढ़ेंगे इसको टॉर्क को। तो टॉर्क अभी बस इतना समझो आप, क्या होता है कि जब भी किसी सरफेस के डिस्टेंस के परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगाएंगे तो ये रोड घूमना स्टार्ट कर देगी, है ना, घूमेगी तो पिक्चर में क्या आएगा, टॉर्क आएगा, है ना, बस इतना समझो आप, इससे काम चल जाएगा अपना। अब देखो, अगर जिस पॉइंट के अबाउट में टॉर्क लेता हूँ, जैसे यहाँ पे सेंटर के अबाउट टॉर्क लूंगा, है ना, किसके अबाउट, सेंटर के अबाउट, तो सेंटर के अबाउट जो टॉर्क हम लेंगे, तो देखो क्या होगा,
ये जो फोर्स होगा इन वन यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन और एक्स वन इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लोगे वहाँ पे इसको कर्ल कराएंगे, है ना, घुमाएंगे इसको। तो एन वन जो फोर्स होगा एक्स वन के अबाउट कैसे कर्ल कराएगा, ऐसे, है ना, ऐसे तो घुमाएगा इस पॉइंट के अबाउट एन वन। एन वन फोर्स ऊपर लग रहा है तो इस पॉइंट के अबाउट कैसे घुमाना चाह रहा है, स्केल को ऐसे घुमाना चाह रहा है। तो यहाँ पे टॉर्क क्या लिखेंगे, एन वन इंटू एक्स वन। और क्योंकि क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। क्लॉकवाइज को क्या मान लेंगे, पॉजिटिव। और एंटी क्लॉकवाइज को क्या मान लेंगे, निगेटिव, है ना। ये बात थोड़ी सी आप मान के चल सकते हैं, क्लॉकवाइज होगा पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव। डायरेक्शन का नोटेशन है बस और कुछ नहीं। तो जैसे पॉजिटिव होगा इसको क्या लिखूंगा, एन वन एक्स वन, है ना। अच्छा अब ये जो एन टू वाला, देखो ये एन टू वाला ऐसे लगेगा, एन टू वाला सेंटर के अबाउट इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का काम करेगा। तो क्या आएगा यहाँ से, माइनस ये आएगा एन टू, और एक्स टू की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, 40 सेंटीमीटर, है ना। इक्वल टू क्या रखेंगे, जीरो। क्यों रखा जीरो, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कोई मोशन वगैरह हो नहीं रहा है यहाँ पे। तो एन वन एक्स वन का जो टॉर्क होगा वो एन टू एक्स टू का जो टॉर्क होगा उसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यानी नेट टॉर्क तो यहाँ पे जीरो ही है ना, क्योंकि रोटेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो एन वन एक्स वन इक्वल टू 40 इंटू एन टू लिख सकते हैं। अच्छा एक्स वन की वैल्यू मुझे बतानी है, तो एक्स वन को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, एक्स वन को लिख सकते हैं 40 एन टू डिवाइड बाय एन वन, ये लिख सकते हैं। देखो 40 एन टू डिवाइड बाय एन वन ये कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर मैं एन टू बाय एन वन की वैल्यू रखूँगा यहाँ पे, ये तो एन टू था ना, देखो तो यहाँ से अगर मैं एन टू बाय एन वन की वैल्यू रखता हूँ, एन टू बाय एन वन, तो ये कितना आएगा, एन टू बाय एन वन ये आएगा 0.32 बाय 0.40, यही आएगा एन टू बाई एन वन 0.32 बाय 0.40। इस वैल्यू का मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, तो देखो एक्स वन कितना आ जाएगा, इधर से एक्स वन मेरे पास आ जाएगा 40 ब्रैकेट एन टू बाई एन वन कितना है 0.30 डिवाइड बाय 0.40 ये आएगा। इस पॉइंट से ये पॉइंट हटेगा, 40 से 40 कैंसिल, तो एक्स वन कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर, कितना आएगा 32 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से कितना रेस्ट पे आएगी, कितना मूव करने के बाद रेस्ट पड़ेगी सेंटर से, 32 सेंटीमीटर। यानी ये जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 32 सेंटीमीटर, ये मैं लिख देता हूँ इधर, है ना। ये एक्स वन 32 सेंटीमीटर, ये भी 32 रहेगा, है ना, ये लिख सकते हैं। अब इसका काम खत्म हो गया ऊपर वाली लाइन का, उसको मिटा देता हूँ। अच्छा एक्स वन आ गया 32 सेंटीमीटर। अब देखो जरा इसके आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये दो कंडीशन मैंने ड्रॉ करी है यहाँ पे, दो कंडीशन जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है, जब जो थर्ड कंडीशन है इसको अगर आप देखोगे, यानी तीसरे वाली जो कंडीशन है, तीसरी कंडीशन को अगर ध्यान से देखोगे, देखो इसमें क्या मिलेगा मुझे, ये भी थोड़ा सा सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इस केस में ये मुझे मिल गया, फिर से मैं क्या करता हूँ, वही कंडीशन लगाता हूँ। सबसे पहले मोशन में जस्ट आने से पहले किस पे रहेगा, ये रहा होगा रेस्ट पे, है ना। तो कैसा फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे, स्टैटिक। रेस्ट पे आने से पहले ये पॉइंट कैसा रहा होगा, काइनेटिक। जस्ट पॉइंट कॉन्टैक्ट की बात करेंगे, जस्ट अबाउट द मोशन की बात करेंगे, तो ये दोनों बराबर रहेंगे। तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, एफ एस डैश इक्वल टू एफ के डैश बोल सकते हैं, इक्वल टू म्यू एस एन, ये तो था स्टैटिक, तो क्या रहेगा यहाँ पे एन थ्री, और ये कितना होगा एन फोर, तो इसको क्या लिखूंगा म्यू के, ये हो जाएगा एन फोर, लिख सकते हैं। अच्छा म्यू एस की वैल्यू कितनी यहाँ पे, 0.40, ये रखो 0.40 इंटू एन थ्री, और म्यू के की वैल्यू कितनी, 0.32, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे एन फोर। अच्छा इसको फिर से मान लेंगे इक्वेशन नंबर टू मान लेंगे, है ना, फिर से क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर टू, और फिर से सेंटर के अबाउट टॉर्क निकाल सकते हैं। देखो टॉर्क निकालेंगे, ये रहा एन थ्री, इसको घुमाएगा किस डायरेक्शन में, ऐसे। एन फोर सेंटर के अबाउट कैसे घुमाएगा, ऐसे। तो एन थ्री और परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर के अबाउट ले रहे हैं, टॉर्क कितना होगा एक्स वन, तो ये कितना लिखूंगा यहाँ पे एन थ्री, ये आ जाएगा एक्स वन माइनस, क्योंकि एंटी, ये क्लॉकवाइज ऑफ पॉजिटिव, ये एंटी क्लॉकवाइज तो निगेटिव, एन फोर और डिस्टेंस कितना होगा सेंटर से एक्स आर, और इक्वल टू क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। कर सकते हैं काम, सही बात है बिल्कुल। तो यहाँ से देखो अगर मैं लिखूँगा तो कितना आएगा, एन थ्री एक्स वन इक्वल टू एन फोर एक्स आर, ये आएगा। ठीक है, इतना काम कर लिया सबने। इस एक्स आर की वैल्यू मुझे बताने की, सेंटर से कहाँ पे रेस्ट पे रहेगा, तो ये मैं हटा देता हूँ। आगे इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा इधर से, है ना। देखो जरा, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको अगर सिंप्लीफाई करता हूँ तो देखो कितना मिलेगा, एन थ्री एक्स वन इक्वल टू एन फोर एक्स फोर, तो यहाँ से जो एक्स आर मेरे पास आएगा वो कितना आएगा, एन थ्री बाय एन फोर इंटू एक्स वन, यही बचेगा यहाँ से। एक्स आर इक्वल टू एन थ्री बाय एन वन, एन थ्री बाय एन फोर इंटू एक्स वन। अब यहाँ पे जो एन थ्री बाय एन फोर की जो वैल्यू है इक्वेशन टू से, इक्वेशन टू से अगर मैं देखता हूँ, इक्वेशन टू से वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ से ये वाली इक्वेशन टू, तो एन थ्री बाय एन फोर कितना आएगा यहाँ से, एन थ्री बाय एन फोर, एन थ्री बाय एन फोर आएगा 0.32 बाय 0.40, ये बचेगा कितना आएगा 0.32 बाय 0.40। तो एन थ्री बाय एन फोर यहाँ से निकाला क्वेश्चन टू से, यहाँ पे रख सकते हैं। देखो कितना आएगा, एक्स आर इक्वल टू एन थ्री बाय एन फोर 0.32 डिवाइड बाय 0.4, और एक्स वन कितना था, तो था मेरे पास 32 सेंटीमीटर।
पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ से। अब इसको 8 से कट कर सकते हैं, 8 4 32, और ये आएगा 5। तो ऊपर कितनी वैल्यू आएगी एक्स आर इक्वल टू, ये आएगा 8 128 बाई 5, है ना। 32 into 4 कितना बचेगा, 128 बाई 5। इसको अगर सोल्व करेंगे तो एक्स आर की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा 2, ये आएगा 5, है ना, और ये आएगा 25.6 सेंटीमीटर। तो कितने डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जो राइट वाली फिंगर स्टॉप हो जाएगी, 25.6 सेंटीमीटर चलने के बाद स्टॉपिंग कंडीशन में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये था मेरे पास आंसर जो मुझसे यहाँ पे पूछा था, ये नोट कर लो आप। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरीके से उसको सोल्व करेंगे। तो बस सिंपल थोड़ा सा टॉर्क का जो कॉन्सेप्ट था उसको लगाना था, और स्टैटिक फ्रिक्शन की थोड़ी सी कंडीशन यहाँ पे सोचनी थी कि जस्ट अबाउट द मोशन की बात करके दोनों फ्रिक्शन को इक्वल रखना था, और उस केस में क्या वैल्यू निकालनी थी, एक्सआर की वैल्यू निकालनी थी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ये एडवांस 2020 के अंदर क्वेश्चन को यहाँ पे पूछा था। तो सिंपल अप्रोच लगानी होती है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी मैथमेटिक्स के अंदर लगी, थोड़ा सा सोचना है और क्वेश्चन का अप्रोच लगा के सोल्व करना, ये आप करो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये लिख लिया होगा आपने, तो आंसर कितना हो जाएगा, 25.6 सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं, लेट आ देता हूँ क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्या दिया है मुझे। तो ये था एडवांस 2020 के अंदर जो सवाल मुझसे पूछा था, तो बस यहाँ पे थोड़ा सोच के और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए थोड़ा सा देखते हैं आगे। चलिए अगर मैं आगे थोड़ी सी बात करता हूँ, तो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिया है, जे एडवांस 2018 में पूछा था, पेपर 2, है ना। पेपर 2 थोड़ा सा टफ रहता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है, ए सॉलिड हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑयल, अ रेक्टेंगल ब्लॉक ऑफ मास एम 0.4 किलोग्राम इज एट रेस्ट ऑन दिस सरफेस। तो इनिशियली जो मास दिया है वो दिया है 0.4 किलोग्राम ब्लॉक का, और किस कंडीशन पे, वो रेस्ट की कंडीशन पे है। एन इम्पल्स ऑफ 1 न्यूटन सेकंड इज अप्लाइड टू द ब्लॉक एट टाइम टी इक्वल टू 0, सो दैट इज स्टार्ट मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस। तो जैसे इम्पल्स लगाएंगे, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है मोमेंटम, इम्पल्स क्या होता है मोमेंटम। तो जैसे मोमेंटम अप्लाई करेंगे 1 न्यूटन सेकंड का, तो ब्लॉक टी इक्वल टू 0 यानी डिस्प्लेसमेंट जब उसका 0 है, जब वो रेस्ट पे है, तो वहां से चलना स्टार्ट कर देता है। कितनी वेलोसिटी के साथ, ये फंक्शन मुझे दिया है, वी इज द फंक्शन ऑफ टी, वी नॉट इक्वल टू वी टी इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टो, है ना। वहाँ पे वी नॉट जो मेरे पास है कॉन्स्टेंट है, और टो मेरे पास दिया वो होता है टाइम, वो कितना दिया 4 सेकंड। तो आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है ब्लॉक का, जब टाइम जो टी है वो कैपिटल, जो टो यहाँ पे दिया उसके बराबर हो जाए, तो ई के ओवर माइनस वन की वैल्यू आपको दी 0.23। सिंपल है, तो देखो कैसे करेंगे। तो जब टाइम टो के बराबर हो जाए, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट मुझसे पूछा है कितना होगा। तो कहानी ये है, कहानी क्या है, कहानी ये है कि ये जो ब्लॉक है ना इनिशियली, ये जो ब्लॉक है यहाँ पे रफली, मास कितना दिया इसका, इसका दिया है 0.4 किलोग्राम, ये दिया है 0.4 किलोग्राम ब्लॉक है। तो जब टाइम 0 है ना मेरे पास, टाइम जब 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना है 0, क्योंकि इनिशियली किस कंडीशन पे, रेस्ट पे है। तो जब इस पे मोमेंटम अप्लाई करते हैं, तो चलना स्टार्ट करता है, चलना स्टार्ट करेगा, सपोज करो मूव करके कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया 0.4 किलोग्राम। तो कितने टाइम में पहुँचा, टो टाइम में, है ना, कितने टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, इसके वैल्यू मुझे बतानी, यहाँ से चलेगा और इतना डिस्टेंस कवर करेगा एक्स, तो कितने टाइम में करेगा, टो टाइम में, ये उसने दिया। इस कंडीशन के ऊपर मुझे वैल्यू बतानी कितनी होगी, कर सकते हैं सिंपल। तो देखो अब यहाँ पे वेलोसिटी का जो फंक्शन मुझे दिया है, वेलोसिटी का जो फंक्शन मुझे दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है वी टी इक्वल टू, ये दिया है वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टो, ये मुझे दिया है सिंपल, वी टी इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टो। तो अब देखो जरा ध्यान से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जो मोमेंटम मुझे दिया है वो कितना दिया है, 1 न्यूटन पर सेकेंड। तो मैं क्या करता हूँ ना, इस मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूज करके, इस इंपल्स का यूज करके मैं यहाँ पे स्पीड निकाल लेता हूँ, इनिशियल स्पीड निकाल लेता हूँ जो मुझे वी नोट यहाँ पे दी है। ये जो वी नोट इनिशियल स्पीड दी है उसको निकाल सकते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे, पी इक्वल टू एम इन टू वी, ये होता है, तो वी नोट, ये क्या है वी नोट, वी नोट की वैल्यू कितनी आएगी, पी बाय एम, तो वी नोट कितना आएगा, पी कितना है 1, ये क्वेश्चन में दिया है मोमेंटम, और एम कितना होगा 0.4, ये होगा। तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर आएगा 10, तो वी नोट की वैल्यू कितनी आएगी, 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने क्या निकाली, यहाँ पे इनिशियल स्पीड मैंने निकाली, क्या निकाली, इनिशियल स्पीड वी नोट कितनी है, 2.5 मीटर पर सेकंड। सिंपल भाई, 10/4 था, कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड, ये काम मैंने कर लिया। अभी जो इक्वेशन यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इस इक्वेशन को जो यहाँ पे लिखा है v इक्वल टू वी नोट e की पावर माइनस टी बाय टो, इस v को मैं dx बाय dt लिख सकता हूँ, dx बाय dt लिख सकते हैं, ये हो जाएगा v नोट e की पावर माइनस टी बाय टो, ये लिख सकते हैं।
अच्छा v को dx by dt लिख सकते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी। इसे dt वाले टर्म को धड़ लेके जाओ जरा, देखो कितना बचेगा यहाँ से, dx इक्वल टू v नॉट e की पावर माइनस t बाय 2 इंटू dt लेके जा सकते हैं। अच्छा अब एक काम करेंगे, दोनों साइड में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, दोनों साइड में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा जब देखो जो वेरिएबल होगा ना यहाँ पे, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं उसी की लिमिट आती है, तो dt के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे जब टाइम मेरे पास जीरो होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, जीरो। जब टाइम जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, जीरो। और जब टाइम टो के बराबर हो जाएगा, जब टाइम टो के बराबर हो जाएगा तब मुझसे पूछा कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये सवाल में दिया है कि जब टाइम टो के बराबर होगा तब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। यहाँ पे dx 1 into dx है तो इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल कितना हो जाएगा, x माइनस जीरो, है ना। लिमिट वगैरह अप्लाई करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, अपर लिमिट x और माइनस जीरो। इधर देखो v नॉट तो कॉन्स्टेंट है, इसको रखेंगे बाहर, v नॉट रखेंगे बाहर। ये e की पावर माइनस t बाई 2 है, क्या e की पावर माइनस x जैसा दिखाई दे रहा है, e की पावर माइनस x, और e की पावर माइनस x का जब इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, e की पावर माइनस x ही आएगा, ये आएगा। और डिवाइड बाय, ये तो कॉन्स्टेंट है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और जिसको x माना है उसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड करते हैं, यही हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन के अंदर। तो इसको x माना है तो देखो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो देखो t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा 1, तो कितना आएगा माइनस 1 बाय 2, है ना। ये पूरी वैल्यू x थी, t का हो जाएगा माइनस 1 और 2 तो रहेगा ही साथ में यहाँ पे, इतनी बात समझ आ रही है। और लिमिट 0 से लेके 2 तक, है ना भाई, लिमिट भी तो अप्लाई करेंगे 0 से लेके 2 तक। ये कितना बचेगा यहाँ से, ये आएगा x इक्वल टू v नॉट कितना है, तो 2.5 है, सिंपल 2.5। और ये टो भी ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, माइनस टो, है ना, ये चला जाएगा अगर, समझ में आ रही है, तो कितना चला जाएगा माइनस टो। और यहाँ पे कितना बचेगा इस फंक्शन को, अगर देखो यहाँ पे जो फंक्शन के अंदर जो लिमिट होती है किसके अंदर रखते हैं, जो वेरिएबल होता है, तो टी यहाँ पे वेरिएबल है, इसके अंदर रखें कितना होगा, माइनस माइनस टो बाय टो और माइनस ई की पावर, ये हो जाएगा जीरो बाई जीरो यहाँ पे रखेंगे तो सिंपल जीरो बचेगा यहाँ पे, है ना। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, e की पावर माइनस t की जगह रखें टो बाय टो, ये बचेगा। अच्छा अब इसको मैं इधर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ थोड़ा सा, है ना। तो देखो इस टो की वैल्यू मुझे दी है 4 सेकंड, है ना, टो की वैल्यू तो मुझे इनिशियली दी है सवाल में, कितने दिए 4 सेकंड, तो उसने खुद ही मेंशन किया है कि टो कितना है इस क्वेश्चन के अंदर, 4 सेकंड। तो यहाँ पे अगर 4 रखेंगे तो देखो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, x हो जाएगा 2.5 और ये होगा माइनस 4, ये होगा 2.5 और कितना होगा माइनस 4, और ब्रैकेट ये तो हो जाएगा e की पावर माइनस 1 और माइनस e की पावर 0, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा e की पावर माइनस 1, ये हो जाएगा e की पावर 0। x कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आएगा देखो, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ नीचे आएगा 100, तो x कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2.5, ये कितना था 2.5, नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा माइनस 100 बाई 10, तो ये तो हो जाएगा 10। और ये कितना बचेगा, e की पावर माइनस 1 की वैल्यू उसने दी है 0.37, और e की पावर 0 कितना होता है, ये तो 1 ही होगा, है ना। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा माइनस 10, और ये कितना बचेगा 0.63, यही आएगा 0.37 माइनस 1 0.63। तो पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, है ना। तो देखो x की वैल्यू कितनी बचेगी, x की वैल्यू बचेगी 63 डिवाइड बाय 10। ये नेगेटिव मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो खाली मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूँ, खाली मैग्नीट्यूड की अगर बात करूँगा तो 63 बाय 10 लिख सकते हैं। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 6.3 मीटर, तो इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो आंसर विल बी द 6.3 मीटर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करके सिंपल इंटीग्रेशन लगा के इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। बस थोड़ा सा मोमेंटम का गेम था, एम इन टू वी लगा के पहले वहाँ पे वी निकालना था, वैल्यू इसमें रखनी थी और आंसर कैलकुलेट कर लेना था। तो उसको नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये लिख लिया सबने, तो आंसर कितना हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। चलिए इसको हटा देता हूँ मैं, एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा सब क्वेश्चन के अंदर काइनेमेटिक्स का थोड़ा ज़्यादा पार्ट था, बाकी NLM थोड़ा सा कम था, है ना। बट फिर भी क्वेश्चन थोड़ा मर्ज करके पूछेगा मोमेंटम वगैरह को, तो लगा के सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं थोड़ा सा आगे और, चलिए एक सवाल और देखते हैं। ये दिया है जे एडवांस 2020 और पेपर वन में पूछा था क्वेश्चन। अ फुटबॉल ऑफ रेडियस आर स्किप्ड ऑन अ होल ऑफ रेडियस स्मॉल आर लेस देन एज कम्पेयर टू कैपिटल आर, यानी ये जो फुटबॉल का जो रेडियस है कैपिटल उससे कम है, ठीक है। मेक वन प्लैंक कैप्ट हॉरिजॉन्टली, वन एंड ऑफ द प्लैंक इज नाउ लिफ्टेड सो दैट इट गेट्स टिल्ट मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट द फुटबॉल डज नॉट स्टार्ट रोलिंग डाउन द प्लैंक सेटिस्फाई। तो थीटा की वो मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है कि थीटा कितना मैक्सिमम रखें, इंक्लाइन प्लेन का जो थीटा है वो मैक्सिमम कितना रखें जिससे कि फुटबॉल जो है वो इस जो फंसी हुई है इस पार्ट के अंदर जो फंसी हुई है इंक्लाइन प्लेन के अंदर वो बाहर की तरफ मूव ना करे, ये मुझे बताना कि थीटा कितना रखें मैक्सिमम।
तो देखो कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, जो उसमें दिया है उसी डायग्राम को मैं बना लेता हूँ। तो एक इंक्लाइन प्लेन इस तरीके से है ना, ये इंक्लाइन प्लेन दिया है मुझे इस तरीके से, और यहाँ पे एक बॉल को थोड़ा सा फिक्स करके रखा है ना इस तरीके से है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे डायग्राम। और ये मुझे दिया इंक्लाइन प्लेन है ना, ये एंगल कितना दिया यहाँ पे थीटा, और एक फुटबॉल जो है, फुटबॉल जो है इस तरीके से यहाँ पे रखी हुई है ना, फुटबॉल कैसे रखी है इस तरीके से यहाँ पे रखी हुई है इस तरीके, थोड़ा मैं डायग्राम बना लेता हूँ बड़ा सा इस तरीके से। तो अगर इस डायग्राम को बनाओगे तो ऐसा मिलेगा कुछ आपको है ना इस तरीके से, ये फुटबॉल है यहाँ पे, तो सर्कल बना लेते हैं पूरा ऐसा, ये दिया आपको है ना, ये एंगल कितना है थीटा इस तरीके से, और ये जो फुटबॉल है इसको कितना घुमाएं, इसको कितना घुमाएं, कितना एंगल रखें मैक्सिमम, कि जिससे ये इस पॉइंट के अबाउट मूव ना करें है ना, ये इसके अंदर फंसी हुई है। और ये तो है सिंपल, और बॉल का जो रेडियस है वो कितना दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो दिया है सिंपल्स का जो रेडियस है वो कितना है आर, तो रेडियस तो ये भी हो सकता है सिंपल है ना, रेडियस क्या होगा सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको भी क्या बोलेंगे रेडियस बोलेंगे, ये जो कॉन्टैक्ट है यहाँ पे, ये भी क्या होगा सिंपल क्या होगा, ये भी आर होगा है ना, ये कहानी समझ आ रही होगी सबको आर होगा। ये पॉइंट यहाँ पे किस पे कॉन्टैक्ट में है, ये पॉइंट किस पे कॉन्टैक्ट में। अब देखो जरा ध्यान से कहानी क्या होगी, कहानी क्या होगी, तो एक परपेंडिकुलर लाइन अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, ये तो पूरा 2R दिया है। अगर क्वेश्चन में आप देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा डायमीटर है वो 2R है, तो हाफ कितना होगा, देखो इसको मैं इधर मिला देता हूँ, तो अगर ये पूरा 2R है तो ये कितना बचेगा यहाँ से, ये वाला पार्ट, ये बचेगा स्मॉल आर। समझ में आ रही है बात सबको भाई, इस ये फुटबॉल है इसका रेडियस कितना दिया कैपिटल आर, और ये हाफ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्मॉल आर, क्योंकि पूरा कितना दिया 2R के बराबर मुझे दिया है। अब देखो कहानी क्या होगी, अब अगर आप ये चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो फुटबॉल का मास कितना है, फुटबॉल का मास कितना है सिंपल दिया है मान लेते हैं, अगर आप चाहते हो कि ये इससे मूव ना करे, तो देखो कहानी क्या होगी यहाँ पे, कि जब ये फुटबॉल यहाँ पे मूव करेगी, जब ये फुटबॉल यहाँ से निकलेगी तो खाली ये वाला पॉइंट इस इंक्लाइन प्लेन के कॉन्टैक्ट में होगा, जब भी यहाँ से निकलना चाहेगी तो इस पॉइंट को छोड़ देगी और ऐसे हवा में रहेगी ऊपर की तरफ, हवा में रहेगी ऊपर की तरफ इस पॉइंट के बाद ऐसे निकलेगी, तो ये खाली पॉइंट कॉन्टैक्ट में रहेगा और ये पूरा का पूरा पार्ट ऐसे आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी कि जैसे ये बॉल घूमेगी निकलना चाहेगी यहाँ से, पॉइंट रहेगा खाली कॉन्टैक्ट में और कैसे निकलेगी बाहर की तरफ, तो जब बाहर की तरफ रहेगी है तो इसी के अंदर मैं बना देता हूँ। तो कहानी क्या होगी कि ये पॉइंट खाली कॉन्टैक्ट में होगा, यानी जो भी कहानी होगी इस पॉइंट के ऊपर होगी, और ये इसका सेंटर पॉइंट है फुटबॉल का। तो देखो तो जब ये कॉन्टैक्ट में होगा पॉइंट तो ऐसे घूमेगी, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है, अच्छा देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, जब ये बॉल ऐसे घूमेगी क्लॉकवाइज, कैसे घूमेगी इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज घूमेगी, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट पीछे की तरफ मूव करेगा ना, जैसे बॉल आगे निकलेगी पीछे की तरफ, तो मूव पीछे करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आगे की तरफ है ना। हालांकि इसका कोई इतना रोल नहीं है बट फिर भी ये पता होना चाहिए, क्योंकि सरफेस अगर रफ होगी तो, रफ होगी सरफेस तो ये पॉइंट पीछे जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा आगे की तरफ। और नॉर्मल कहाँ लगता है हमेशा, नॉर्मल तो सेंटर की तरफ ही लगता है, नॉर्मल किधर लगता है हमेशा सेंटर की तरफ, ये जो कॉन्टैक्ट होगा। समझ में आ रही होगी इतनी बात सबको, ठीक है। अब देखो जरा कहानी क्या होगी, अच्छा अब इसका जो एम जी है, इसका जो एम जी है तो सेंटर पे लगेगा, और ये एंगल थीटा है तो कंपोनेंट कितना आएगा इधर बताओ, ये तो होगा सिंपल एम जी कॉस थीटा, ये तो पढ़ते आ रहे हैं एनएलएम के अंदर, और ये कंपोनेंट कितना आएगा एम जी साइन थीटा जो सेंटर से पास होगा। ये बात समझ आ रही है, एम जी लगेगा नीचे तो ये एंगल थीटा है, तो ये एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा, अच्छा ये बात समझ गए होंगे सब लोग। अब मैं क्या करता हूँ, देखो अगर ये पॉइंट खाली कॉन्टैक्ट में तो इस पॉइंट के बाद टॉर्क ले सकते हैं, इस पॉइंट के बाद क्या ले सकते हैं टॉर्क ले सकते हैं। तो देखो इस पॉइंट के अगर अबाउट टॉर्क लोगे तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा इधर बना देता हूँ है ना, साइड में बना देता हूँ, थोड़ा सा आसान रहेगा आपको समझना कि क्या कहानी होगी। देखो इस डायग्राम को तो एम जी कैसे लग रहा है, एम जी साइन थीटा तो लग रहा है नीचे, और ये एम जी कॉस थीटा किधर लग रहा है नीचे की तरफ है ना, ये लग रहा है किधर, ये लग रहा है नीचे है ना, यहाँ पे क्या लग रहा है एम जी कॉस थीटा, ये कहानी चल रही है, और ये सेंटर वाला पार्ट इधर है। तो इस पॉइंट के बाद मुझे टॉर्क लेना है, इस पॉइंट के बाद ये कॉन्टैक्ट में इस पॉइंट के बाद, तो इस पॉइंट के बाद टॉर्क अगर लेंगे इस पॉइंट के बाद तो मुझे क्या चाहिए, एक तो एम जी कॉस थीटा से क्या चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे यहाँ पे चाहिए ना, तो ये क्या चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये तो मुझे दिया है स्मॉल आर, ये देख सकते हो आप, ये जो एम जी कॉस थीटा है यहाँ से डिस्टेंस कितना है स्मॉल आर, और अगर एम जी साइन थीटा का इस पॉइंट के बाद अगर मैं टॉर्क निकालना चाहता हूँ तो इस फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ये मैं ड्रॉ कर लेता हूँ सिंपल इस तरीके से, ये ड्रॉ कर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ये ड्रॉ किया, और इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने मान लिया एक्स, क्या मान लिया इसको, मान सकते हैं एक्स भाई, ये डिस्टेंस अगर स्मॉल आर है इसको क्या मान लेंगे एक्स मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर है ना, ये स्मॉल आर एक्स। अब इस पॉइंट के बाद टॉर्क देखो, ये तो एम जी कॉस थीटा,
एमजी को। अच्छा एक बात देखो यहाँ पे, अगर आप ये चाहते हो ना कि ये इसमें से ना निकले, ये फुटबॉल इसके अंदर से बाहर की तरफ मूव ना करे, तो ये वाला जो टॉर्क है ना एमजी कोशेटा की वजह से ये ज़्यादा होने चाहिए एज कम्पेयर टू एमजी सेंटेटा, क्योंकि ये टॉर्क ज़्यादा होगा तभी तो उसको नीचे रोक के रखेगा, ये तो घुमाएगा इसको बाहर की तरफ। इस पॉइंट के अबाउट एमजी सेंटेटा फोर्स इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वो घुमाएगा ना बाहर की तरफ, तो अगर ये ज़्यादा हो गया तो फिर तो बॉल बाहर निकल जाएगी, तो रोकेगा कौन इसको, ये वाला फोर्स का कंपोनेंट रोकेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एमजी कोशेटा की वजह से जो टॉर्क होगा, यानी एमजी कॉस थीटा, ये तो फोर्स हो गया, फोर्स और डिस्टेंस कितना होगा परपेंडिकुलर आर, ये ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू दिस एमजी साइन थीटा इंटू एक्स, एमजी साइन थीटा इंटू एक्स। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, एमजी साइन थीटा हो गया फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया एक्स हो गया, तो ये फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, एमजी कॉस थीटा का जो टॉर्क है ज़्यादा होना चाहिए तभी इसको रोक पाएगा, क्योंकि ये तो किधर घुमाएगा एमजी साइन थीटा, इस पॉइंट के अबाउट बाहर की तरफ, रोकेगा कौन, ये वाला फोर्स, तो ये ज़्यादा रहना चाहिए जिससे कि फुटबॉल बाहर मूव ना करे। ओके एमजी से एमजी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो कॉस थीटा इंटू आर है वो कितना आएगा यहाँ पे साइन थीटा इंटू एस, है ना, या तो इससे बड़ा हो या इसके बराबर हो, तो यहाँ से जो टेन थीटा की वैल्यू आएगी, टेन थीटा कितना आएगा लेस देन इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे, ये यह आएगा मेरे पास स्मॉल आर बाय एक्स, कितना आएगा स्मॉल आर बाय एक्स, ये कितना आएगा टेन थीटा स्मॉल आर बाय एक्स। तो अगर आप ये चाहते हो कि थीटा मैक्सिमम है तो थीटा ये कौन सा है, ये अच्छा देखो ये टेन थीटा क्या लिखा है स्मॉल आर बाय एक्स, तो इस ट्रायंगल को देखोगे आप ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल अगर आपको दिखेगा, ये वाला ट्रायंगल, तो ये आर है ये एक्स है, तो ये भी तो एक्स ही होगा यहाँ पे, ये तो डिस्टेंस बराबर ही है भाई दोनों, ये एक्स है तो ये भी कितना होगा एक्स होगा ये भी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं टेन थीटा आर बाय एक्स है तो इसको थीटा बोल सकते हैं थीटा, और ये कैसा होगा मैक्सिमम, ये मैक्सिमम की कंडीशन में निकाली है तो थीटा भी कैसा होगा मैक्सिमम होगा, तो थीटा मैक्सिमम होगा तभी तो लिखेंगे आर बाय एक्स। तो यहाँ से अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखोगे तो साइन थीटा की फॉर्म में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है, किस फॉर्म में दिया है देख लेते हैं एक बार, तो चार ऑप्शन जो आपको यहाँ पे मेंशन किए हैं साइन थीटा में दिया है, अच्छा टेन थीटा दिया है स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, तो टेन थीटा तो कितना है आर बाय एक्स है, ये तो नहीं हो सकता यहाँ पे। अच्छा अब साइन थीटा देख लेते हैं, तो साइन थीटा अगर मैं लिखूंगा तो साइन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना होगा ये होगा आर, ये कितना होगा परपेंडिकुलर आर, और हाइपोटेनस कितना होगा ये होगा हाइपोटेनस ट्रायंगल का, और ये तो मेरे पास रेडियस है फुटबॉल का, ये तो रेडियस है ना भाई कैपिटल आर, ये मेंशन किया गया मैंने यहाँ पे, तो कितना आएगा स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, तो यहाँ से साइन थीटा की जो वैल्यू होगी कितनी मिलेगी स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मुझे दिया है कि साइन थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसको नोट कर लो आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये लिख लिया होगा सबने, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, ये हटा देता हूँ मैं, चलते हैं आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर मिलेगा, देखो सवाल में क्या बोला है, अ ब्लॉक दिया है m1 1 किलोग्राम और अनदर मास m2 2 किलोग्राम, दो ब्लॉक दिए प्लेस टुगेदर ऑन एन इंक्लाइन प्लेन विद एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, वेरियस वैल्यू दिए थीटा की यहाँ पे एक लिस्ट 1 है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक m1 एंड द प्लेन इज ऑलवेज 0, तो जो m1 वाला ब्लॉक है उसके साथ जो इंक्लाइन प्लेन है उसका कोई भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, वो 0 दिया है, एंड द प्लेन इज ऑलवेज 0, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड द डायनेमिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक m2 एंड द प्लेन आर इक्वल टू म्यू 0.3, स्टैटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन दोनों की वैल्यू जो मुझे दिए कितनी दिए 0.3 दिए, इन लिस्ट टू एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक एम टू आर गिवन, मैच द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द फ्रिक्शन इन द लिस्ट टू विद द एंगल गिवन द लिस्ट वन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिनोटेड बाय जी, और कुछ नीचे टेन के फॉर्म में यहाँ पे वैल्यूज मुझे दी है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक डायग्राम मुझे जो दिया यहाँ पे, एक दिया एम वन और एम टू, और दो लिस्ट यहाँ पे दी है, तो आपको करेक्ट मैच यहाँ पे करना है, और ये एडवांस 2014 में पूछा था, तो पहले डायग्राम जो दिया उसको बना लेते हैं, ऐसा कोई डायग्राम दिया है रफली सा, और एंगल कितना है थीटा, और एक ब्लॉक यहाँ पे है M1, ये दिया उसने यहाँ पे मेंशन किया है, और दूसरा ब्लॉक कितना दिया है इधर, ये मुझे दिया है M2, है ना। अच्छा पहले मैं क्या करता हूँ ना, ये जो एंगल है ना यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज निकाल लेता हूँ, यहाँ पे क्या निकालता हूँ एंगल ऑफ रिपोज, तो देखो जो M1 के साथ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कुछ नहीं यहाँ पे, वो तो जीरो है, M2 वाली जो सरफेस है उसके साथ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है वो मुझे दिया है यहाँ पे 0.3, है ना, म्यू की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, म्यू दिया है 0.3, और M1 कितना दिया है 1 किलोग्राम, M1 दिया है 1 किलोग्राम, और M2 कितना दिया है, M2 यहाँ पे मेंशन किया गया 2 किलोग्राम, तो म्यू 0.3, M1 1 किलोग्राम और M2 2 किलोग्राम, ये वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे दी है, तो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है यहाँ पे। अच्छा मैं काम करता हूँ, इसको पहले
कंडीशन देख लेते हैं। तो देखो अगर इन दोनों M1 और M2 यहाँ पे होंगे, अच्छा ये कंडीशन वो क्या दिए, M1 1 किलोग्राम अंडर मास, M2 2 किलोग्राम प्लेस टुगेदर एट एन इंक्लाइन प्लेन। तो इन दोनों को अगर मैं एक साथ देखता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि दोनों एक साथ नीचे आएंगे, तो क्या लिखूंगा, दोनों एक साथ अगर नीचे आएंगे तो इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ये कितना होगा, M1 प्लस M2 और जी sin थीटा। इस फॉर्म में ब्रेक हो सकता है, एक mg cos थीटा होता है और एक कितना होता है, M प्लस M2 जी sin थीटा। अच्छा M2 वाले ब्लॉक पे, अगर M2 वाले ब्लॉक का आप देखोगे, अगर मैं डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ तो इधर क्या लगेगा, M2 जी cos थीटा खाली M2 वाले के लिए, और नॉर्मल किधर आएगा, पीछे की तरफ। अब फ्रिक्शन किधर लेगा, क्योंकि M2 वाले के साथ फ्रिक्शन है खाली, तो किधर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, पीछे की तरफ, कितना μ × n, ये कहानी होगी। अच्छा अब अगर इस एंगल की मैं कहानी देखता हूँ, अगर हम एंगल ऑफ रिपोज की बात करते हैं, कि एंगल ऑफ रिपोज किसको बोलेंगे, जिस एंगल पे जस्ट दोनों सिस्टम मूव करने वाले होंगे, मूव अभी नहीं किया उन्होंने, मूव करने वाले होंगे, तो ये जो वैल्यू होगी उसके लिए क्या लिखेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास ये होगा M1, यानी जो μ × n होगा मेरे पास, वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगा, ये होगा यहाँ पे M1 प्लस M2 और कितना होगा यहाँ पे जी साइन थीटा। ये कहानी हम लिख सकते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू दिस। तो ये कहानी होगी, इक्वल टू भी मान सकते हैं यहाँ पे, ये कंडीशन होती है। तो अगर मैं इक्वल टू में लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा μ, n की वैल्यू कितनी होगी, ये होगा यहाँ पे m2 g cos थीटा, ये, और इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m1 plus m2 g sin थीटा, है ना, ये कहानी होगी। तो देखो जरा यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी दी है मुझे, 0.3, देखो सवाल में दिया 0.3, m2 कितना दिया 2 किलोग्राम, 2g cos थीटा, M1 प्लस M2 कितना हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा 3g sin थीटा, ये कहानी होगी, है ना। तो देखो जरा ध्यान से, g से g कैंसिल, और अगर पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 10, तो 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2/10 बचेगा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, ये कितना होता है, ये तो 10 थीटा के बराबर होता है, 10 थीटा के बराबर, और ये कितना हो जाएगा 5, यानी 10 थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये आएगी 1/5, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज, है ना, थीटा आर, और 10 थीटा 1/5 में जो वैल्यू मुझे दी है, अगर आप नीचे ध्यान से देखोगे तो 0.2 दिया है, तो कितना हो जाएगा थीटा आर, 11.5 डिग्री, कितना हो जाएगा 11.5 डिग्री, ये मुझे दिया है, यानी इस एंगल से थोड़ा सा भी एंगल अगर ज़्यादा किया तो दोनों ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करेंगे, ये वर्ज ऑफ मोशन की कंडीशन होगी, यानी अभी ब्लॉक ने मूव करना स्टार्ट नहीं किया है, ये वाला जो फोर्स होगा वो इस वाले μ के बराबर रहा होगा, ये कंडीशन यहाँ देखने को मिलेगी इस कंडीशन में। तो आ गया एंगल ऑफ रिपोज। अब अगर इस एंगल से मेरा इंक्लाइनेशन कम होगा, तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा, एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक एक साथ वाली कहानी रहेगी M1 और M2 की, तो एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, M1 प्लस M2 जी sin थीटा, कॉमन एक्सेलरेशन के साथ यहाँ पे मूव करेंगे, है ना। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पी में मुझे जो एंगल दिया है वो कितना दिया, थीटा इक्वल टू 5 डिग्री, तो अगर थीटा मेरे पास 5 है तो इससे कम होगा तो एक्सेलरेशन दोनों का कैसा रहेगा, एक साथ रहेगा, है ना, M1 प्लस M2 जी sin थीटा। तो इस केस में क्या बोल सकते हैं कि जो मेरे पास पी होगा उसके लिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट होगा, है ना, इससे कम वाले के लिए। और थीटा इक्वल टू 10 आपको दिया है, क्यू के अंदर कितना दिया, थीटा इक्वल टू 10, तो थीटा अगर 10 होगा तब भी ऑप्शन 2 करेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि 10 भी 11.5 से कैसा है, कम है। अच्छा आर की कंडीशन देखते हैं, आर में मुझे क्या दिया है, थीटा दिया है 15 डिग्री, तो आर अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो दोनों मूव करेंगे नीचे की तरफ, दोनों मूव करेंगे तो ये ज़्यादा रफ है, ये थोड़ा सा स्मूथ सरफेस है, तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग मिलेगा यहाँ पे, दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं मिलेगा। तो थीटा इक्वल टू 15 डिग्री की अगर बात करेंगे तो देखो सेम नहीं मिलेगा, तो 2 और 4 ऑप्शन नहीं हो सकते यहाँ पे, 2 और 4 तो पॉसिबल नहीं है, 2 और 4 ऑप्शन नहीं है, तो क्या बचा, 1 और 3। और अगर ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो P इक्वल टू 2, Q इक्वल टू 2, तो ऐसा ऑप्शन बी सी डी में है, और बी सी डी में अगर आप देखोगे तो S की जो कंडीशन देखोगे वह तो 3 है या फिर 4 है, तो 3 और 4 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों कॉमन दिखाया हुआ है इसके अंदर, है ना। तो ऑप्शन क्या बचा यहाँ पे, S के लिए क्या बचा, 3 बचा, R के लिए ऑप्शन क्या बचा, 3 बचा, और ऐसे ही S के लिए भी कितना बचेगा, अगर थीटा यहाँ पे 15 से ज़्यादा है, यानी 15 कितना होगा, थीटा 20, तब भी ऑप्शन क्या रहेगा, 3 रहेगा, यानी तब मुझे एक्सेलरेशन कैसा मिलेगा, अलग अलग किसके बराबर होगा, μ × g cos थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखो कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको ऐसा नहीं कि पूरा सॉल्व करना है, तो बाय यूजिंग द ऑप्शन आप उन क्वेश्चन को भी मार्क करके आ सकते हो। तो जैसे ये दोनों कंडीशन थी, एंगल कम रहेगा तो दोनों का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, m1 + m2 g sin थीटा, अब एंगल ज़्यादा हो गया तो इसका एक्सेलरेशन अलग, इसका अलग, तो ये कितना मिलेगा आपको, दोनों ब्लॉक अलग अलग तरीके से मूव करेंगे। तो μ2 वाले केस की बात करेंगे, क्योंकि इसी के बारे में पूछा उसने, तो ये कितना हो जाएगा, μ2g cos थीटा, इसका एक्सेलरेशन, और ऐसे ही अगर एंगल 20 भी बड़ा होगा तो सेम ऑप्शन रहेगा, 3 और 3, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द
करेक्ट आंसर। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये लिख लिया होगा आपने, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट, है ना। चलिए हटा देते हैं, देखते हैं आगे, चलते हैं थोड़ा सा और, चलो देखते हैं क्या दिया है मुझे इधर। देखो जरा ये जे एडवांस 2014 के अंदर क्वेश्चन पूछा था पेपर वन के अंदर, एक फिगर मुझे दिया है, लैडर ऑफ मास एम इज शोन लीन अगेंस्ट अ वॉल इन द स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल फ्लोर, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द लैडर। तो जो लैडर और वॉल है उसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू वन, और फ्लोर और लैडर के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है म्यू टू। द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वॉल ऑन द लैडर इज एन वन एंड दैट ऑफ द फ्लोर इज एन टू, द लैडर इज अबाउट टू स्लिप देन। तो चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, तो मल्टीपल करेक्ट भी हो सकते हैं यहाँ पे, ये मल्टीपल करेक्ट का ही क्वेश्चन है, ऊपर लिखा हुआ भी है मोर देन वन करेक्ट आंसर। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा इस तरीके से, है ना। तो डायग्राम मुझे दिया है सिंपल, इस तरीके से मुझे डायग्राम दिया है, है ना, ये डायग्राम दिया है, और एक लेटर को इस तरीके से लगा के रखा है यहाँ पे, इस तरह अटैच करके रखा है सिंपल, इसको थोड़ा सा थिकनेस इसकी मान सकते हैं सर, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से यहाँ पे अटैच करके रख सकते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे जो कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है वो कितना दिया है म्यू वन, और यहाँ पे कितना दिया है ये मुझे दिया है म्यू टू। यही बोला है कि भाई जो कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन वॉल और लेटर के बीच में वो है म्यू वन और ये म्यू टू। तो देखो कहानी क्या होगी, ये कितना होगा म्यू टू होगा, ये कितना होगा म्यू टू। तो जब ये लेटर नीचे की तरफ स्लिप करेगी, है ना, स्लिप करेगी तो क्या होगा, नीचे जाएगी, नीचे जाएगी तो ये किधर भागेगा नीचे, तो ये पॉइंट पे फोर्स किधर आ रहा है नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लेगा यहाँ पे मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, भाई मोशन किधर होगा इसका नीचे, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लेगा ऊपर। सेम कहानी इसकी होगी, ये जाएगी पॉइंट आगे, मोशन किधर होगा इसका लेफ्ट में, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा एफ टू इधर की तरफ, समझ में आ रही है बात। अच्छा, और नॉर्मल एक्शन कहाँ होता है, कॉन्टैक्ट से परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा यहाँ पे एन वन, और कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर ये आएगा यहाँ पे एन टू। और ये लेंथ मुझे कितनी दी है यहाँ पे, अगर इस लेंथ को ध्यान से देखोगे तो लेंथ कितनी दी है, ये लेंथ मुझे दी है स्मॉल एल, कितनी लेंथ दी है स्मॉल एल, है ना, ये कितनी लेंथ दी है स्मॉल एल यहाँ पे दी है, स्मॉल एल अगर लेंथ यहाँ पे दी है, स्मॉल एल अगर लेंथ यहाँ पे दी है, तो एम जी किधर लगेगा यहाँ पे सेंटर से नीचे की तरफ, किधर लगेगा एम जी नीचे, है ना, एम जी किधर लगेगा नीचे की तरफ। तो ये अगर मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, इस एंगल को कितना बोल दूंगा, वैसे इस एंगल की जरूरत नहीं है, अभी देखेंगे इसको बाद में, है ना, इस एंगल की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया एम जी। तो देखो अगर मैं यहाँ से, अच्छा सिस्टम किस में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम। तो देखो अगर ये मोशन जस्ट स्लिप होने वाला होगा तो उस केस में क्या होगा, इस एन टू की वैल्यू किसके बराबर होगी, अगर मैं वर्टिकल बैलेंस करता हूँ इक्वेशन, है ना, पहले हॉरिजॉन्टल बैलेंस कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, क्योंकि उसने सवाल में क्या बोला है आप देख सकते हो, सवाल में उसने बोला है लास्ट वाली लाइन में कि इफ द लैडर इज अबाउट टू स्लिप देन, अबाउट टू स्लिप मतलब स्लिप नहीं हुई है, जस्ट स्लिप होने वाली है, तो उस केस में क्या होगा, इस हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के केस में जो एन1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, एफ2 के बराबर होगी, यानी एन1 किसके बराबर होगा, एफ2, यही तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है यहाँ पे, और एफ2 को क्या लिख सकते हैं, म्यू टू इंटू एन2 लिख सकते हैं, म्यू टू इंटू एन2, है ना, ये हो गया यहाँ पे। अच्छा अब अगर वर्टिकल बैलेंस करूँगा, वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, जस्ट अबाउट टू स्लिप है ना, अब ये मूव नहीं किया, जस्ट करने वाला है, तो उस केस में क्या रहा होगा वर्टिकल इक्विलिब्रियम में, तो ये वर्टिकल वाले फोर्स देखो अपवर्ड को मान सकते हैं पॉजिटिव, तो अपवर्ड एक लग रहा है एन टू, एन टू प्लस ऊपर कितना लग रहा है एफ वन, ऊपर कितना लग रहा है, ये लग रहा है यहाँ पे एफ वन, और उस केस में इक्वल टू किसके है, एम जी के बराबर है। इस केस में मैंने देखो दोनों फ्रिक्शन यहाँ पे कंसिडर किए हैं, यानी म्यू वन भी जीरो के बराबर नहीं है और म्यू टू भी जीरो के बराबर नहीं है, दोनों सिचुएशन मैंने यहाँ पे लिए, यहाँ भी कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन है और यहाँ भी कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी जीरो के बराबर नहीं है, जीरो होता तो सरफेस कैसे हो जाती, स्मूथ हो जाती, तो वर्टिकल में एक आने मिलेगी, इसको लिखूंगा एन टू प्लस एफ वन को क्या लिख सकते हैं, म्यू वन एन वन इक्वल टू एम इन टू जी, ये कितना होगा यहाँ पे एन टू प्लस म्यू वन, एन वन किसके बराबर होगा, म्यू टू और एन टू के बराबर, म्यू टू और एन टू के बराबर, इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे एम जी होगा, यहाँ से एन टू कॉमन ले सकते हैं, एन टू कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, वन प्लस म्यू वन म्यू टू इक्वल टू एम जी, ये आएगा, तो एन टू की वैल्यू यहाँ से किसके बराबर आएगी, एन टू बराबर आएगा एम जी डिवाइड बाय वन प्लस म्यू वन और म्यू टू, तो ये आएगा यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एट टू। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मेरे पास म्यू वन नॉट इक्वल टू जीरो, म्यू टू नॉट इक्वल टू जीरो, तो जो एन टू की वैल्यू है यहाँ पे
एन टू की वैल्यू वो आ रही एम जी वन प्लस म्यू वन वाई बी टू, यानी ऑप्शन नंबर सी मुझे दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी तो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अगर दोनों कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो नहीं होंगे तो उस केस में जो एन टू की वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, एम जी डिवाइड बाई वन प्लस म्यू वन और म्यू टू, ये मुझे मिलेगा। अब यहाँ पे मल्टीपल करेक्ट है तो और भी मुझे कहानी यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी, जैसे म्यू वन इक्वल टू जीरो है और म्यू टू नॉट इक्वल टू जीरो, उसको भी देख लेते हैं क्योंकि ऑप्शन ए और डी दोनों सेम कंडीशन यहाँ पे दिए हैं, ऑप्शन ए और डी सेम कंडीशन यहाँ पे दिए, तो उसको मैं हटा देता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या कहानी होंगी। चलिए नीचे से हटा देता हूँ मैं इतना पार्ट। अच्छा ये कहानी तो मेरे पास रहेगी, ये कहानी तो रहेगी, इसको हटा देते हैं। तो अगर मैं एक कंडीशन यहाँ पे बैलेंस करके लिखता हूँ तो ये तो सेम यहाँ पे रहेगा। अब इसने क्या बोला है कि अगर म्यू वन जीरो कर दे, म्यू वन जीरो का मतलब जैसे इसको मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ पे म्यू वन कितना मान लेता हूँ, जीरो मान लेता हूँ, तो म्यू वन अगर जीरो करेंगे तो म्यू टू यहाँ पे होगा, तो उस केस में क्या मिलेगा। देखो अगर म्यू वन जीरो हो जाता है तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो, यानी एफ वन कितना हो जाएगा, एफ वन कितना हो जाएगा, तो अगर यहाँ पे ये हो जाएगा जीरो तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, एन टू किसके बराबर आएगा, एम जी के बराबर, एन टू की वैल्यू किसके बराबर आएगी, एम जी के बराबर, तो यहाँ पे जो एन वन होगा, एन वन होगा वो किसके बराबर होगा, म्यू टू, म्यू टू और एम जी के बराबर, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एन वन है मेरे पास, अच्छा एन वन और एन टू की फॉर्म में कुछ दिया है यहाँ पे ए और डी ऑप्शन में, तो एक बार एक सिचुएशन तो ये हो गई, यहाँ से तो कुछ मुझे मिला नहीं है, लेकिन एक कंडीशन और मैं चेक कर सकता हूँ क्या, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट यहाँ पे टॉर्क ले लूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे तो स्लिपिंग होगी क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सर्फेस है और ये इसको रफ सर्फेस होने की वजह से इसको रोक के रखेगा, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल के देख लेते हैं, तो शायद वहाँ से भी कुछ ना कुछ मुझे मिल सकता है, तो ये मैं हटा देता हूँ। तो देखते हैं जरा इस केस में मुझे क्या कहानी मिलेगी अगर मैं टॉर्क लेता हूँ, है ना, किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेंगे, किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेंगे, इस पॉइंट के अबाउट, है ना, जो यहाँ पे फिक्स है इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेंगे। तो ये लेंथ तो मेरे पास एल है, ये एल है, तो इसको तो ये तो जीरो ही है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ म्यू वन जीरो, है ना, तो यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन वगैरह यहाँ पे नहीं लगेगा, अगर म्यू वन जीरो तो फ्रिक्शन की भी बात नहीं होगी और सिंपल क्या होगा यहाँ पे एन वन होगा। अब देखो जरा ध्यान से, ये एन वन और ये एल, तो ये एंगल अगर थीटा मान लेता हूँ और ये एल है ये थीटा, तो ये कितना आएगा एल साइन थीटा, ये कितना आएगा यहाँ पे एल साइन थीटा ये आएगा, और ये एम जी है ये थीटा है, तो ये वाली लेंथ कितनी बचेगी, ये वाली, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे लेना पड़ेगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, इसको अगर मैं सीधा ड्रॉ कर, ये देखो ये वाला, तो ये नीचे फोर्स है एम जी, और ये अगर हाफ पे, एम जी तो हाफ पे लगता है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा एल बाय टू, ये डिस्टेंस कितना होगा एल बाय टू, तो पूरा अगर एल है तो हाफ पे कितना होगा एल बाय टू, तो ये थीटा एल बाय टू, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा एल बाय टू कॉस थीटा, ये मैं डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे, तो बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी आप अप्लाई कर सकते हो, नीचे लगेगा एम जी, ये एल बाय टू, तो ये कितना आएगा एल बाय टू इंटू कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। अब इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेता हूँ, इस पॉइंट को जेड बोल देंगे, तो जेड पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क है वो कितना होगा, जीरो, क्योंकि सिस्टम किस में इक्विलिब्रियम में है। तो देखो कौन कौन सा फोर्स लेंगे, एक तो लेगा नॉर्मल एन वन, नॉर्मल एन वन, और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये रहा एल साइन थीटा, कितना होगा एल साइन थीटा, ये होगा इक्वल टू, ये लगेगा परपेंडिकुलर एम जी, एम जी, और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है एल बाय टू कॉस, एल बाय टू कॉस थीटा, ये होगा यहाँ पे, ये कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से कितना बचेगा, एल से तो एल कैंसिल हो जाएगा, एन वन साइन थीटा इक्वल टू एम जी बाय टू इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ से अगर मैं देखूँगा तो जो ये होगा एन वन साइन थीटा, कॉस थीटा को नीचे लेके आएंगे, और ये कितना हो जाएगा एम जी बाय टू, साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना होता है टेन थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना होता है टेन थीटा, ये कितना आएगा एन वन टेन थीटा एम जी बाई टू। तो यहाँ से अगर ऑप्शन आप देखोगे ऐसा कुछ दिखेगा आपको, ये कब बना, कब लगाया हमने, जब म्यू वन मेरे पास जीरो है और म्यू टू नॉट इक्वल टू जीरो, इन दोनों कंडीशन, तो म्यू वन अगर जीरो होगा और म्यू टू नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन ए और डी अगर आप देखोगे, इन दो सिचुएशन को यहाँ पे देखा गया, म्यू वन जहाँ पे जीरो, म्यू टू नॉट इक्वल टू जीरो, तो एन वन टेन थीटा एम जी बाई टू, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ए यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा, है ना, एक क्रॉस होगा, क्योंकि ये में क्या आ रहा है यहाँ पे एन टू आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में कंडीशन क्या बनेगी, एन वन की बनी, कब, अगर म्यू वन यहाँ पे जीरो होगा और म्यू टू नॉट इक्वल टू जीरो। तो अभी तक हमने देखा कि जो ऑप्शन नंबर सी और डी है वो मेरे पास करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी और डी करेक्ट है, ए करेक्ट नहीं है। अब बी की कहानी ध्यान से देखो, बी में क्या दिया है, म्यू टू इक्वल टू जीरो, अगर म्यू टू जीरो हो जाए तो उस केस में कहानी क्या मिलेगी, है ना, वो भी देख लेते हैं। तो इसको नोट करो आप, ठीक है, इसको नोट करो, ये कर लिया होगा आपने, देखो चलिए चलते हैं देखते हैं उसके बाद। तो ये कंडीशन मुझे दी है कि अगर यहाँ पे अगर म्यू टू जीरो हो जाए, म्यू टू अगर जीरो हो जाए तो ऑप्शन नंबर सी ओ डी तो करेक्ट हो गए, म्यू टू अगर जीरो है, म्यू टू अगर जीरो हो जाए और म्यू वन नॉट इक्वल टू जीरो, ये कहानी हुई। तो म्यू टू अगर जीरो होगा, म्यू टू कितना होगा जीरो, यानी उस केस में इसको इस बार क्या कर दिया जीरो, तो इस पॉइंट के अबाउट क्या निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे, किस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, तो यहाँ पे नीचे जाएगा तो एफ वन किधर लगेगा,
ऊपर की तरफ, है ना, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि ये तो जीरो नहीं होगा, म्यू टू जीरो है, तो ये किधर जाएगी, पीछे की तरफ मूव करेगा, तो लैडर किधर आएगी, नीचे, फ्रिक्शन किधर लेगा, ऊपर की तरफ, वो सेम कहानी होगी, है ना, वो कैसी कहानी होगी, सेम कहानी होगी। तो अब इस पॉइंट के अबाउट क्या निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे यहाँ पे, देखते हैं कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए, अच्छा इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे, यहाँ पे म्यू वन नॉट इक्वल टू जीरो और म्यू टू कितना है जीरो, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे फोर्स लेगा एन टू, इसी डायग्राम को आपने बना लिया, फिर से मैं थोड़ा सा बना देता हूँ उसको, तो म्यू टू मेरे पास क्या है जीरो, तो यहाँ पे तो कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं लगेगा, है ना, फ्रिक्शन तो नहीं आएगा पिक्चर में, खाली क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन आएगा पिक्चर में, क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन। और इस पॉइंट के अबाउट, यानी ये जो डिस्टेंस है मेरे पास, ये पूरा लेना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देख रहे हैं, तो ये पूरा एल है, ये थीटा, तो कितना होगा एल कॉस थीटा, ये कितना आएगा यहाँ से एल कॉस थीटा, और अगर यहाँ से एम जी को देखेंगे तो एम जी तो लगेगा, ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना होगा थीटा, और फिर से भी कितना हो जाएगा एल बाई टू कॉस थीटा, तो सेम ही रहेगा ना, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो जरा यहाँ से एन टू लगेगा ऊपर, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा एन टू इंटू एल कॉस थीटा इक्वल टू, एक लगेगा एम जी, तो कितना हो जाएगा एम जी इंटू एल बाई टू कॉस थीटा, ये आएगा। तो देखो यहाँ से अब अगर बात करेंगे तो एल कॉस थीटा से एल कॉस थीटा कैंसिल, तो ये कितना आएगा एन टू इक्वल टू एम जी बाई टू, एन टू कितना आ रहा है एम जी बाई टू आ रहा है। तो अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन में ध्यान से दिया है, अगर म्यू वन नॉट इक्वल टू जीरो म्यू टू जीरो, तो एन वन टेन थीटा एम जी बाई टू करके दिया, तो बी ऑप्शन तो यहाँ पे करेक्ट नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि ये कंडीशन लगाने के बाद क्या आएगा आंसर एम जी बाई टू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर आप देखोगे तो सी एन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ये दो आंसर करेक्ट होंगे मल्टीपल में सी एन डी। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी किस तरीके से क्वेश्चन लगा के अप्रोच लगा के यहाँ सॉल्व करेंगे। तो उसको करो, फिर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए लिख लिया होगा आपने, तो सी ओ डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, बाकी और भी यहाँ पे रहेंगे रोम, ये लेटा देते हैं, चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं सवाल में क्या दिया है। तो अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे आप तो ये आई टी जे 2010 के अंदर पूछा था पेपर वन में, अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज ऑन इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल थीटा, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज म्यू, जहाँ पे जो टेन थीटा मेरे पास वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ब्लॉक इज हेल्ड स्टेशनरी बाय अप्लाइंग अ फोर्स पी पैरेलल टू द प्लेन, तो जो ब्लॉक है वो नीचे स्लाइड कर रहा है एक्चुअल में, लेकिन उसको रोकने के लिए एक अपोजिट में फोर्स लगाया कैपिटल पी, ये उसने सवाल में बोला है, और लगाने के बाद जो सिस्टम है जो ब्लॉक है वो स्टेशनरी कंडीशन पे यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे कैपिटल पी लगाने के बाद, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पॉइंटिंग अप द प्लेन इज टेकन टू बी पॉजिटिव, अपवर डायरेक्शन को क्या लेना है पॉजिटिव लेना है, एंड पी इज वेरीज फ्रॉम पी वन एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा टू पी टू इक्वल टू एम जी ब्रैकेट साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, द फ्रिक्शन फोर्स एफ वर्सेस पी ग्राफ विल लुक लाइक, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चारों में से ग्राफ करेक्ट होगा, उसकी मुझे वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो देखो जरा कैसे करेंगे, सबसे पहले कहानी ड्रॉ कर लेते हैं जो इसमें दिया है, पहले उसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे सिंपल, ये दिया है यहाँ पे, है ना, ये मुझे दिया है, ये एंगल कितना है थीटा, एक ब्लॉक उन्होंने सरफेस के ऊपर ऐसे रखा है, ब्लॉक कहाँ रखा है ऐसे, और इसका मास कितना दिया, ब्लॉक का मास दिया स्मॉल एम, कितना दिया स्मॉल एम, उसके बाद बोला है कि अच्छा स्लाइड किधर कर रहा है, स्लाइडिंग किधर है इसकी, स्लाइडिंग किधर है नीचे की तरफ, तो स्लाइडिंग अगर नीचे है तो उससे बचने के लिए पी फोर्स किधर लगाया है, ये उसने दिया है पी फोर्स किधर लगाया, ऊपर की तरफ, तो अगर स्लाइडिंग नीचे होगी तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, ये होगा इस पी ऊपर लगाए, तो उसका मतलब ये नहीं कि ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन नीचे आएगा, स्लाइडिंग जिधर होगी मोशन जिधर होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, पी तो हमने इसको रोकने के लिए पर्पज से लगाया ताकि किस में रहे स्टेशनरी हेल्ड कंडीशन में रहे, समझ में आ रही बात। अच्छा अब अगर यहाँ पे सिंपल देखेंगे तो नॉर्मल किधर लेगा, नॉर्मल तो लगता है सरफेस के परपेंडिकुलर, एम जी किधर लगता है नीचे, ये एंगल भी कितना होगा थीटा, ये कितना हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और नीचे कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा एम जी साइन थीटा, तो कंपोनेंट करेंगे एम जी, ये हो जाएगा, अगर इसकी बात करेंगे ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, है ना। अच्छा एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ये जो एंगल होगा थीटा इसको ऐसे बना लो, इसको ऐसे बना लेते हैं, तो इधर जो कंपोनेंट होगा ये लगता है ना एम जी, तो ये एंगल कितना होता है थीटा, ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और कितना आएगा एम जी साइन, यह बात सबको समझ में आ रही होगी। तो ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना होगा थीटा, तो एम जी कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा एम जी साइन थीटा, ये कर सकते हैं यहाँ पे। ओके अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, अगर अच्छा सिस्टम किस में इक्विलिब्रियम में, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ये फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बना लिया यहाँ पे, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो इस फोर्स को बराबर लिख सकते हैं, तो देखो कौन कौन सा फोर्स लेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, ये होगा पी
प्लस एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा, लिख सकते हैं पी प्लस एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो एफ की वैल्यू किसके बराबर आएगी, एफ आएगा यहाँ पे एम जी साइन थीटा माइनस पी के बराबर। तो एफ की कंडीशन क्या है, एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा इक्वल टू पी। एफ और पी के बीच में इसलिए बनाया मैंने क्योंकि जो ग्राफ इसने मुझसे पूछा है, ग्राफ की जो कंडीशन दी है एफ और पी के बेस पे ही यहाँ पे पूछा है। तो पी वन की जो वैल्यू उसने दी है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जो पी वन उसने दिया वो कितना दिया है एम जी, और ये दिया है साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो मैं क्या करता हूँ ना, इस पी वन की वैल्यू को यहाँ पे रख के, पी वन की वैल्यू को जो यहाँ पे दिया इसको यहाँ पे रख के एफ की कंडीशन चेक कर लेता हूँ कि इस पी वन पे एफ की वैल्यू कितनी आ रही है ना। तो देखो जरा, एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा एम जी साइन थीटा, ये लिखेंगे, और माइनस ये लगाओ जरा कंडीशन, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा एम जी साइन थीटा, और माइनस एम जी म्यू कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। इस ब्रैकेट को अगर ओपन करेंगे तो एम जी साइन थीटा से एम जी साइन थीटा कैंसिल, तो एफ कितना आएगा यहाँ से, तो एफ वन कितना आएगा, पी वन पे मिलेगा एफ वन, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा प्लस एम जी म्यू कॉस थीटा। एफ वन कितना आएगा एम जी म्यू कॉस थीटा, इसको बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन। अच्छा, अब अगर पी टू की बात करूँगा, पी टू कितना दिया, पी टू दिया है एम जी, ये दिया है पी टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, इस बार क्या दिया है कॉस थीटा दिया है। तो पी टू पे भी एफ टू चेक कर लेते हैं, तो एफ टू कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा एफ टू यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, और ये वैल्यू इसमें रखेंगे, ये आएगा माइनस एम जी साइन थीटा और माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, ये देखने को मिलेगा भाई, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस टर्म से वाली टर्म कैंसिल, तो एफ टू कितना आएगा यहाँ से, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। तो एफ टू कितना मिलेगा यहाँ से, एफ टू मिलेगा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। तो एफ वन पे देखो एम जी म्यू कॉस थीटा, और एफ टू पे निगेटिव, तो दोनों में मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव। तो उस केस में जो ग्राफ बनेगा, उसको मैं हटा देता हूँ उधर से, अच्छा ये हटा देते हैं, इस केस में जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो अगर ग्राफ में बनाता हूँ, तो ग्राफ अगर ध्यान से देखोगे तो एफ और पी के बीच में ग्राफ दिया है, किसके बीच में दिया है, एफ और पी के बीच में, ये तो पी है मेरे पास, और ये क्या है मेरे पास, फ्रिक्शन फोर्स, ये हो गया पी, जो फोर्स मुझे दिया था ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स। तो इस पी के ऊपर एक वैल्यू यहाँ पे मान लेते हैं पी वन, यहाँ पे कितनी मान लेते हैं पी टू। तो पी वन पे अगर आप देखोगे तो एफ वन की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव है भाई, साइन अगर यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव। तो जो ग्राफ मुझे मिलेगा इस तरीके से मिलेगा कुछ, है ना, जो ग्राफ मुझे मिलेगा इसको पी वन और पी टू की अगर बात करेंगे, तो पी वन पे जो मुझे वैल्यू मिली है कैसे मिली है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर मेरे पास P1 को धर मान लो, अगर ये मेरे पास है P1, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, पॉजिटिव तो इस एक्सिस से ऊपर की तरफ ही होगा। और अगर P2 की बात करेंगे, ये पॉइंट क्या है P2, तो ग्राफ कुछ ऐसे पास करेगा यहाँ पे, है ना। अच्छा, ग्राफ ऐसा ही क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे P1 पे वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स की कैसी है, पॉजिटिव, देखो ये कैसी वैल्यू है यहाँ पे, पॉजिटिव, और यहाँ पे कितनी वैल्यू मिलेगी P2 पॉइंट पे, ये वैल्यू मिलेगी निगेटिव। अब क्योंकि ग्राफ पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो चारों में से अगर ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना, स्ट्रेट लाइन ही आएगा ग्राफ, क्योंकि एम जी भी कॉन्स्टेंट, म्यू भी कॉन्स्टेंट, और थीटा भी कॉन्स्टेंट। तो इस केस में एफ वन की वैल्यू क्या मिलेगी, कॉन्स्टेंट मिलेगी, तो ग्राफ कैसा आएगा, इस पॉइंट के ऊपर फिक्स आएगा, इस पी वन पे पॉइंट के ऊपर वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव, फिर ग्राफ लीनियर नीचे की तरफ, और वैल्यू मिलेगी निगेटिव। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मुझसे पूछा था, इसको नोट कर लें। चलिए, ये नोट किया होगा आपने, ये थे मेरे पास जे एडवांस के क्वेश्चन, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बेस पे मुझसे पूछे गए थे। तो इसमें एडवांस के सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करा दें, कोई भी सवाल इसमें नहीं बचा है। तो इसी के साथ एनएलएम की जो सीरीज़ है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की, वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन, तो तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और सर्कुलर मोशन की सीरीज़ का थोड़ा सा इसके बाद जो स्टार्ट होगा, सर्कुलर मोशन स्टार्ट होगा, तो उसको भी आप वहाँ से कवर करेंगे, ठीक है। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।